हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज ना स्प्लेंडर प्लस मेरे पास एक BS6 मॉडल 2020 मॉडल है और एक 2022 मॉडल है, ठीक है। सो दोनों बाइक मेरे पास अभी खड़ी हुई हैं, दोनों गुड कंडीशंस में अवेलेबल है। और जो अभी 2022 मॉडल वाली मैं आपको बता रहा हूँ, वो अभी थोड़े दिन पहले ही निकलवाई है मुश्किल से, अभी उसको एक हफ्ता भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज जो हम टेस्ट करने वाले हैं ना, उनकी लाइट की विजिबिलिटी की हम एक बार टेस्ट करेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा और जो उसकी विजिबिलिटी है आपको कितनी देखने को मिलती है। अगर रोड प्रेफरेंस की बात करूँ तो कहाँ तक रोशनी उनकी दोनों की प्रेजेंट होती है, 2020 मॉडल वाली की भी और 2022 मॉडल वाली की भी, कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आपको कितना देखने को मिलता है या दोनों इक्वल आपको देखने को मिलती है, लो बीम और हाई बीम दोनों पर हम चेक करेंगे। सो एक बार जल्दी से कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में वीडियो शेयर करना, जिसकी और लोगों की हेल्प हो सके इस वीडियो की वजह से। जल्दी से कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख ही रहे हो, ये जो मैं बात कर रहा था ये 2022 मॉडल है, ठीक है। ये अभी मुश्किल से 4-5 दिन हुए हैं उसको निकलवाए हुए, और साथ में जो वो खड़ी हुई है सामने वो 2020 मॉडल है और वो भी स्प्लेंडर प्लस है। वो पुराना वाला मॉडल आपको देखने को मिलता है, दोनों ब्लैक कलर है, बट ये जो वाली आती है ये वाली आपको देखने को मिलती है जेड ब्लैक कलर। अगर वीडियो में यार थोड़ी सी आपको विजिबिलिटी की दिक्कत लग रही है तो यार उसके लिए सॉरी, अभी एकदम अर्जेंटली वीडियो बनानी पड़ी, सो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो में अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे एक बार यार कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश तो बढ़िया कर ही रहा हूँ, ठीक है। साथ में वो मैंने आपको दिखाई दी, अब एक बार इसका टेस्ट कर लेते। सबसे पहले जो हम करेंगे वो नई वाली का टेस्ट करेंगे, तो एक बार जल्दी से वीडियो कर लेते स्टार्ट। लो बीम और हाई बीम दोनों पे हम एक बार इसमें टेस्ट करेंगे कि आपको इसमें कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। सो एक बार जल्दी से ये वाली पहले 2022 मॉडल, जैसे कि आप देख सकते हैं 2022 मॉडल का टेस्ट करते हैं। तो इग्निशन करते हैं इसका ऑन, और सो गाइस देखो अभी बाइक स्टार्ट है, और जो इसकी विजिबिलिटी की बात करूँ तो देखो सामने कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलती है। अभी हम इसको हाई बीम पे लगा रखी है, हाई बीम पे कुछ आपको लाइट ऐसी प्रकार देखने को मिलती है, और ये आपकी लो बीम पर है इस टाइम। अभी लो बीम पर देखोगे तो जो रोड की इस रोड पे अगर मैं बात करूँ विजिबिलिटी की तो ठीक ठाक प्रोवाइड करा देती है, लेकिन हाई बीम लगती इसकी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी दूर तक जाती है यार, जैसे कि अभी आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में। सो काफ़ी सही है यार, जो इसका हेलोजन बल्ब है ना, आप 1 लाख की बाइक से कितना एक्सपेक्ट करोगे कि जो उसका हेलोजन बल्ब है वो इतनी विजिबिलिटी प्रोवाइड करा देता है कि रोड की प्रेफरेंस आपको सही ढंग से देखने को मिल जाए, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट था इसका, भले ही इसके अंदर आपको हेलोजन देखने को मिलता है, बट डेट इज़ ऑल्सो गुड। अब मैं बात करूँ आपकी 2020 मॉडल की, तो एक बार इसको भी स्टार्ट करके देख लेते हैं कि इसकी विजिबिलिटी आपको कैसी देखने को मिलती है। ये इग्निशन हमने इसका ऑन किया और यहाँ से एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये अभी जो है ये भी हाई बीम पर लगी हुई है, ठीक है। अभी आप देख ही रहे होगे तो ये भी हाई बीम पर है अभी, और लो बीम पर भी दिखा देता हूँ एक बार। लो बीम पर कुछ आपको ऐसी देखने को मिल जाएगी। जो इसकी विजिबिलिटी की बात करूँ तो एज इट इज़ सेम है यार दोनों, कोई ज़्यादा फर्क आपको देखने को मिलता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको विजिबिलिटी दोनों में देखने को मिल जाती है। अब एक बार मैं ना एंड टू एंड आपको दोनों साथ में ऑन करके दिखाता हूँ कि आप खुद ही डिफरेंस लगा लेना कि कितना डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये वाली मैं एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ, तो दोनों हाई बीम पर लगा दिए। दोनों हाई बीम पर लगाने के बाद कुछ ऐसी विजिबिलिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। दोनों की जो क्वालिटी है ना इक्वल है। अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा हो तो मुझे एक बार वीडियो में जरूर बताना कि थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। बाकी एक बार फ्रंट से मैं आपको दिखाऊं, फ्रंट से कुछ ऐसी आपको ये वाली इधर खड़ी देखने को मिलेगी और ये वाली इधर खड़ी देखने को मिल जाएगी दोनों। तो दोनों बाइक का आपको हैंड टू हैंड दिखा दिया, बाकी यार अगर कुछ भी दिक्कत लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना यार ना भूले। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, लव यू ऑल।